नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं लाइव मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन लाइव मार्केट दिखाऊंगा, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें से आप लोग देख सकता है कि ये मेरा जो चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रेटजीज है और बाइसेल से एक्सेल शीट से जो कैलकुलेशन है वो कैसे काम करता है। तो इसमें सब्सक्राइब कीजिए, ये आप लोग भी कुछ इधर से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देता हूँ, बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप, बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स देता हूँ, वो भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ अपडेट करता हूँ, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स है, जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो मेरे यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर देखिए, यूट्यूब उसमें जितना सारा इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है उसका लिंक दिया हुआ है, और जो YouTube वीडियो और मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी उधर दिया हुआ है, और ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए जो बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ज़रूरत होता है वो एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है, और आस्था ट्रेड, एलिस ब्लू, अपस्टॉक्स में भी दिया हुआ है। मैं YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उसमें से आप लोग आसानी से ज्वाइन हो सकता है। उधर ज्वाइन होकर मेरे तरफ से भी कुछ बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। और डिस्ट्रक्स फिनेंशियल सॉल्यूशन से मैं आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर डिस्ट्रक्स फिनेंशियल सॉल्यूशन का भी बेनिफिट मिल सकता है। उसमें रिसर्च टीम, हम लोग का जो रिसर्च टीम है उसमें से आप लोग को बेनिफिट दिया जाएगा। उसमें से आप लोग को डीमैट अकाउंट, ब्रांडेड ब्रोकरशिप में डीमैट अकाउंट ओपन किया जाएगा। उसके बाद आप लोग को देखा कैसे से फ्री टिप्स मिलेगा। तो देखिए, मैंने पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा और दो इक्विटी का दिखाऊंगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को मैंने अपडेट कर लिया, फिर से एक बार अपडेट कर लेता हूँ करेंट मार्केट प्राइस को। तो इधर से मैंने बाईस हज़ार 366, 22,443, 22,200 अभी ये चल रहा है, 22,270, ठीक है, 22,270 इसका चल रहा है, 22,270 और इधर चल रहा है 11,285, 11,285, 11,285, ठीक है। और इंडेक्स का जो चल रहा है, इंडेक्स का मैंने इधर 5 मिनट का चार्ट, इधर 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है, और जीरोधा में काइट में मैंने 5 मिनट का चार्ट देखता हूँ। इधर से निफ्टी जो चल रहा है 11,278, 11,278 चल रहा है, लगभग सेम ही है, इसमें चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। और इसका बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अप गया है, बैंक निफ्टी 22,190 दिखा रहा है, 22,190, ठीक है। और मैंने दो इक्विटी का दिखाऊंगा, बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व, उसका भी एक बार अपडेट कर लेता है। इसका बजाज फिनेंस का करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3,286, बजाज फिनेंस का करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3,286, और फिनसर्व का करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 6,392, 6,392, 6,392। अब देखते हैं
बाइंग सेलिंग लेवल्स कहाँ पर आता है। इधर से देखिए, ये बजाज फिनसर्व 6446 के ऊपर बाई होगा या बजाज फिनेंस 3316 के ऊपर बाई होगा, ठीक है। और टारगेट आप लोग देख सकते हैं, सेलिंग होगा 6337 का नीचे और 3255 का नीचे। तो इसमें आप लोग देख लिया। इसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी का ही मैं दिखाऊंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो बाइंग सेलिंग लेवल्स है, तो आप लोग देख सकता है ये 22,447 के ऊपर, सॉरी ये लेवल वन है 22,353 के ऊपर, निफ्टी 22,309 के ऊपर और इंडेक्स 22,271 के ऊपर व 11,290 के ऊपर, ठीक है, 295 के ऊपर बाइंग दिखाएगा। और सेलिंग आएगा 22,186 के नीचे, 260 के नीचे, 108 के नीचे और 292 के नीचे, ठीक है। तो अभी लाइव मार्केट में देखते हैं क्या हो रहा है। ये 260 और 954 चल रहा है, इधर 275 चल रहा है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं इधर से क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा आप में साइड में दिखा रहा है, निफ्टी कॉल का हिसाब से नीचे ही दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है। मेरा जो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आप देखेंगे तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। मैंने भी बोला था बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे रहेगा और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अप में रहेगा। तो इधर से ऑलरेडी एक आप मूवमेंट हो गया है, इसका ऑलरेडी एक आप मूवमेंट हो गया है तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए एटलीस्ट 22,306 के ऊपर जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कुछ दूसरा चार्ट टाइप भी देख लेता हूँ। ये क्या दिखा रहा है, तो इसका वोलेटिलिटी ज़्यादा है, 196, 200, 197, 212, मतलब 50 ज़्यादा कुछ नहीं, 43 और 12, 50, 95 पॉइंट का है इसका। और इधर से ये क्या कर रहा है, इधर से ये देखिए, इधर जाके ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, अपसाइड में जाके ये कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है, ठीक है। तो मतलब अभी ऊपर का ट्रेंड कुछ लेना ठीक नहीं रहेगा। इधर से थोड़ा सा ऊपर गया था, इसके बाद ये फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है। मैंने फिर से इसको हेकना सिखा देता हूँ। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि ये कंसोलिडेशन हो रहा है 265। एक्चुअली जो बाइंग का लेवल दिखा है, इसका जो बाइंग का लेवल दिखा रहा है 22,353 के ऊपर, निफ्टी फ्यूचर 309 के ऊपर और इंडेक्स 271 के ऊपर, 295 के ऊपर देखते हैं। चार्ट में भी सेम रहता है, क्योंकि चार्ट में देखिए इधर से
एक मोमेंट हुआ था, इधर से एक एंट्री हो सकता था, लेकिन ये ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। कुछ 200 का आसपास से ये 275 284 तक गया था। अभी ये देखिए कैंडल छोटा छोटा हो जा रहा है, ठीक है, ये कॉन्सोलिडेशन हो रहा है, देखना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कुछ अपडेट होगा तो आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, देखिए इधर बैंक निफ्टी फ्यूचर 300 का ऊपर गया है, इधर 300 का ऊपर, हाँ, तो इसमें बाइंग लेवल है 22,353, ठीक है। तो देखते हैं इसको आता है कि नहीं आता है। इधर से थोड़ा सा ऊपर जाके कंसोलिडेट किया, इधर 38.2% में ये रिट्रेस किया है 38.2% से, ठीक है। तो इधर से देखना पड़ेगा ये क्लोजिंग कैसे दे रहा है, उसके बाद फिर से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, देखिए इधर एक इनिशिएशन कैंडल, उसके बाद कॉन्फर्मेशन कैंडल बना है, और अभी ये जो 11:30 का के बाद ये जो कैंडल बना है तो ये थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ है, तो ये भी बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। तो मैंने एक पोजीशन लेने का कोशिश करता हूँ इधर से कॉल का। देखते हैं 21.7 में इसका गया है बैंक निफ्टी, अभी 340 चल रहा है, एक्चुअली 353 के ऊपर इसका बाय लेवल है, लेकिन इधर से थोड़ा सा एक कन्फर्मेशन लग रहा है इसका, तो इसीलिए इसका लिया है। और इस लेवल के ऊपर ये जो नेक्स्ट लेवल है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका ऊपर ये क्लोजिंग देगा, तो ये इसका इतना दूर तक आने का चांसेस रहता है। और 344-47 गया है, फिर से नीचे आया है, इधर कितना दिया है देखना पड़ेगा, 94-95 आया है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करेगा, 22,353 के ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बनता है इसका। जाने का प्रोबेबिलिटी है क्योंकि चार्ट से कॉन्फर्मेशन मिला है, तो इसीलिए थोड़ा सा पहले पोजीशन लिया मैंने। थोड़ा सा जा रहा है, एक बार क्रॉस हो जाएगा तो वो भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मेरा पोजीशन और भी पहले लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा देर कर दिया मैंने। और निफ्टी का भी आप लोग देख सकता है, निफ्टी का जो बाय लेवल था 309, तो अभी तक शायद इसका आया नहीं है, देखना पड़ेगा।
पंचर्स गया है, इससे नीचे आ रहा है। देखते हैं कुछ पॉज करता हूँ, फिर से डेवलप होगा तो आप लोग को दिखाऊंगा। और नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 300 के ऊपर 395 ये हाई गया था, मेरा भी इधर 107 तक गया था, लेकिन मैंने प्रॉफिट अभी तक बुक नहीं किया। ये इधर 110 तक उठ गया था, थोड़ा सा नीचे आ गया है। गया था इधर चार्ट देखना पड़ेगा, ये ऑलरेडी तो हाई मार के बैठा है, लेकिन 309 के ऊपर कुछ 312-13 तक गया था लगता है। देखते हैं, चार्ट का पोजीशन देख लेना वाइटल है, उसको एक बार देख लेता है। चढ़ने का कोशिश कर रहा है, RSI 71 हुआ है। ये जो इसका ये जो 0% का लेवल है, ये क्रॉस कर रहा है, इसका ऊपर क्लोजिंग चल रहा है। और इसका जो CPR का लाइन है, उसका ऊपर भी चल रहा है। घट गया है, कुछ ऊपर गया था, 107-110 तक गया था, उस टाइम मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया। देखते हैं फिर से, होपफुली चला जाएगा। 372-74-405 का ऊपर जाएगा शायद। आ सकता है 500 तक आएगा, 22,500 क्रॉस करेगा ऐसा लगता नहीं है। नेट में थोड़ा सा गड़बड़ी आ रहा है, पर चल जाए भाई। 376-75-72 में कंसोलिडेशन हो रहा है,
कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा होता है, 380 क्रॉस नहीं हो रहा है। और इधर देखिए, फिर से नीचे आने का कोशिश, इधर से इसका लेवल ऊपर का लेवल ब्रेक करेगा तो इसको एक बार छू लेगा तो अच्छा रहेगा। इससे नीचे आ जा रहा है 380 के ऊपर, फिर से ये नीचे जा रहा है, फिर से 360 तक आ गया है। लेवल तक आना चाहिए 447 का लेवल, इसका लेवल ब्रेक करेगा 489, 22,500 क्रॉस करना इसका थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, देखते हैं। गया है 401 एज गया है, इससे नीचे आ गया है। इधर से देखता है मैं क्या करता हूँ, इधर तो 110 तक इसका हाई गया था, इससे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है 405 क्रॉस करके जाएगा तो ये इससे ऊपर जाएगा, 405 क्रॉस करके जाएगा तो ये फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है इसका, इसका ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। 110 इसका हाई प्रीमियम दिया था, उसके ऊपर नहीं लेना नहीं चाह रहा है, हाई प्रीमियम में थोड़ा सा लेना नहीं चाह रहा है, 110 ब्रेक नहीं कर पाया, 447 तक आना चाहिए इसका, लेकिन ये थोड़ा सा ये हाई प्रीमियम में नहीं दे पा रहा है। 110 फिर से टच किया था लेकिन फिर से उधर से नीचे आ गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को फिर से अपडेट करूंगा। इधर से 15 मिनट का जो निफ्टी इंडेक्स का जो चार्ट दिखा रहा है तो इसका ये जो लेवल है 304 का ऊपर का लेवल, इसमें क्लोजिंग इसका ऊपर क्लोजिंग आएगा तो इसका ऊपर जाने का चांसेस है, ये 381 तक इसका जाने का प्रोबेबिलिटी है, तो तब उधर से फ्यूचर भी 447 के ऊपर चला जाने का प्रोबेबिलिटी है। तो इधर से भी 15 मिनट का कैंडल में भी इसका कुछ अप मूवमेंट दिखा रहा है, ये 304 का ऊपर क्लोजिंग आएगा तो इसका 304 नहीं है 296 का ऊपर ही इसका ऊपर जाएगा तो इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा कि ये ऊपर जाएगा।
इधर भी चार्ट का पोजीशन ठीक ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है ऊपर से, अपर लेवल से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। इसे जाने का कोशिश कर रहा है, देखते हैं। बस थोड़ा सा रेड कैंडल का सिग्नल दिख रहा था, अगर इसका ऊपर चला जाएगा तो निकलना पड़ेगा। लेकिन 50 मिनट का चार्ट जो है इसका पोजीशन अच्छा ही दिख रहा है, इसका पोजीशन अच्छा ही दिख रहा है। 304 के ऊपर इसका क्लोजिंग बनना पड़ेगा। ग्रीन कैंडल इनिशिएट किया है ये, ये इतना दूर तक आ सकता है, इतना दूर तक ये आ सकता है। इतना दूर मतलब 370-380 के आसपास, 370 या 380 के आसपास, तब वो भी 447 का क्रॉस हो जाएगा उसका। क्या पोजीशन है एक बार देख लेते हैं। नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, 5 मिनट का एक छोटा रेड, 5 मिनट में छोटा एक रेड कैंडल दिखने का कोशिश कर रहा है 5 मिनट का चार्ट में, दिखते हैं। कुछ भी हो प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। इससे प्रॉफिट नहीं आएगा तो ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, छोटा सा लॉस बुक करके निकल जाऊंगा। थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने उधर से प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, देखते हैं इधर से। लेकिन 15 मिनट का चार्ट का पोजीशन कुछ अच्छा दिख रहा है, बहुत ही कंसोलिडेशन हो रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है ऊपर से, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम इसका दिख रहा है। हाँ, ये जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ है ये थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ है, 304 में बहुत ही प्रेशर ले रहा है। ये जो 304 का लेवल है इसमें से ये बहुत ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इससे नीचे जाने का कोशिश कर रहा है, नीचे आ जा रहा है। आहा, ये पोजीशन थोड़ा सा घट गया है।
ठीक है दोस्तों, आप लोग को अपडेट करूँगा, पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग को देखिए ना, देखिए जो इधर से जब बाई लेवल आया था बैंक निफ्टी का, जब बाई लेवल आया था 22,353 के ऊपर, ये 22,400 फ्यूचर ये 435 तक गया था, 440 तक गया था। इसमें से आप लोग को देख सकता है, और इधर का सेल लेवल 186 था, तो सेल लेवल 186 से नीचे ज़्यादा दूर नहीं गया था, शायद हाँ सेल लेवल भी गया था, सेल का जब साइड में आया था इधर 21,964 हो गया था। इधर से आप लोग देख सकते हैं, इधर इधर देखिए, इधर से आप लोग को पता चलेगा। तो इधर 21,964 तो 22,043 लो था उस टाइम, और निफ्टी का बाई लेवल का जब ऊपर गया था तो इधर से बाई लेवल था 309 के ऊपर, 309 के ऊपर निफ्टी का गया था, ज़्यादा दूर शायद नहीं गया पाया, हाँ 316 तक गया था ये, 316 तक सॉरी 322 तक, 309 से, और सेल लेवल जब आया था, सेल लेवल आया था इसका, सेल लेवल आया था 260 से, लो हो गया है 170, ठीक है 202 में क्लोजिंग दिया है, 210 में शायद, हाँ 211 में, और शायद बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व का शायद ऑफसाइट का नहीं आया है, बजाज फिनांस दोनों ही ऑफसाइट ऊपर था, 6425 हाई गया था और बजाज फिनांस का हाई हुआ था 3329। तो इधर हाँ सिक्स फोर सिक्स थ्री थ्री टू नाइन, 3316 के ऊपर ये 3329 गया था और ये गया नहीं पाया, और इधर से इसका सेल एंट्री था 6337 और 3255, तो इसका नीचे शायद आया था बजाज फिनसर्व का नीचे आया था, हाँ 6335 से ये नीचे आया था, 6337 से ये नीचे आया था बजाज फिनसर्व का नीचे आया था, 6292 तक आ गया था, उसके बाद ये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, और फिनसर्व का 3239 तक लो गया है, 3255 से 3239 तक लो गया है, अब लोग चार्ट से भी देख सकता है, ये देखिए इधर से जब लो गया है इधर से 3261 तक लो हुआ है, ठीक है, और ये एक्चुअली एक एनएससी चार्ट दिखा रहा हूँ, कैंडल स्टिक चार्ट दिखने से एक्चुअल प्राइस आएगा, देखिए, और इधर 3239 तक आया था, लो आया था 3239, और इधर बजाज सॉरी ये शायद बजाज इन्वर्स का नहीं आया था, और इधर बजाज फिनसर्व का देखता है, फिनसर्व का तब भी पहले लो था, हाँ बजाज फिनसर्व आ गया था 6303 तक आ गया था, 6303 तक आ गया था, तो पहले वाला लो था इसका, इसका 6309 तक आ गया था। ओके दोस्तों, अभी ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, आप लोग को अच्छा लगा था ज़रूर पसंद कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।